हेलो बच्चों बच्चों, पोटेंशियल के बाद आज हम लेके आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है, जिन्हें हम वन बाय वन समझेंगे। ठीक है, आगे देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू चार्जेस 3 × 10⁻⁸ कूलम, मतलब एक सिंगल चार्ज गिवन है Q1, 3 × 10⁻ कितना, −8 कूलम। एंड सेकेंड इज Q2, डेट इज −2 × 10⁻ कितना, −8 कूलम, आर 50 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब इनके बीच में जो गैप है, इनके बीच में क्या है, गैप है Q1 और Q2 के बीच में, डिस्टेंस क्या है, आर है। यहाँ जो डिस्टेंस ए बी गिवन है वो आर है, जो इसकी वैल्यू कितनी है, 50 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 15 × 10⁻ कितना, −2 मीटर। एट वाट पॉइंट, किस पॉइंट पर, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, जो लाइन उन्हें ज्वाइन कर रही है, द चार्जेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ज़ीरो, मतलब ये जो लाइन उन्हें ज्वाइन कर रही है, इस लाइन के किस पॉइंट पर पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो होगा, क्या होगा, ज़ीरो। ठीक है, ये हमें पता करना है। देखो इसने क्या बोला, एट वाट पॉइंट। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसमें दो केस बनेंगे, कितने केस, दो केस क्यों बनेंगे, ध्यान दो। जैसे लाइन ज्वाइन कर रही है तो हो सकता है वो जो पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंट्स के कहीं बीच में हो, मिड में हो, या फिर इनके बिटवीन हो, कहीं भी हो सकता है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या माना, पॉइंट पी, जहाँ पे हमें गिवन है कि नेट पोटेंशियल कितना है, ज़ीरो है। एक केस तो हमेशा हम ये लेंगे, केस उसको हम बोलते हैं केस फर्स्ट, क्या बोलते हैं, केस फर्स्ट। एक पॉइंट और हो सकता है, मैथमेटिक्स के मुताबिक कोई भी लाइन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, टुवार्ड्स द राइट एंड लेफ्ट। तो केस टू हम जब लेंगे बच्चों, केस टू, तो आप भूल मत जाना, यही लाइन होगी ए और बी, ए और बी, इसको हमने जब एक्सटेंड किया, इस तरफ कर दीजिए या फिर इस तरफ कर दीजिए, तो एक्सटेंड करने पे मान लो मेरे पास जो पॉइंट पी डैश है, यहाँ पर भी वी कितना है, नेट पोटेंशियल कितना है, ज़ीरो है। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है वो देखिए, इस पॉइंट पी की हमें ढूंढनी है डिस्टेंस, या तो पॉइंट ए से या पॉइंट बी से, देखिए एट वाट पॉइंट। ठीक है, तो ये इंडायरेक्टली आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है कि किस डिस्टेंस पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी, ज़ीरो आएगी। ऐसे वहाँ देखिए पोटेंशियल पी डैश पे करना क्या है, फाइंड आउट करना है ए के वजह से भी और बी के वजह से भी। ठीक है, तो वो चीज़ है, पहली बात तो ये। फिर देखिए इसने क्या बोला, लेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनेट इज़ ज़ीरो, वो तो आपको पता होता है, आपको पता है पोटेंशियल वी इक्वल टू में कितना, के क्यू अपॉन में आर, अगर डिस्टेंस आर इन्फिनेट होगी तो वी अपने आप ही क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये जो लास्ट लाइन है इसका कोई यूज़ अभी हाल फिलहाल नहीं है, लेकिन ये लाइन ये भी शो कर सकती है इनडायरेक्टली कि जो लाइन आपने बनाई है, जो लाइन ज्वाइन कर रही है दोनों ही चार्जेस को, क्यू वन और क्यू टू को, उससे जो पॉइंट है वो इनफाइन डिस्टेंस पे भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो आप ऐसा मान सकते हो कि ये लास्ट लाइन केस टू को शो कर सकती है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये। अब देखिए, तो मैं दोबारा कह रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स को हमें दो पार्ट में करना होगा, एक तो करना पड़ेगा केस फर्स्ट के अलोंग, एक केस टू के अलोंग। पहले हम सॉल्व करेंगे केस फर्स्ट, देखिए बच्चों कैसे, पहले हम क्या लिखेंगे, वी नो डैट द पोटेंशियल वी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू एट डिस्टेंस आर इज गिवन बाय दिस। ओके ओके, अब देखिए Q1 जो चार्ज है ये पॉइंट पी पे कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, V1। जो Q2 चार्ज है वो पॉइंट पी पे कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, V2 करेगा। तो इन दोनों का हमें करना क्या पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और ये जो ऐड है वो कितना आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। ओके ठीक है, तो देखिए हमें करना क्या होता है, ध्यान दीजिए, हमने माना ए पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल एक्स है, स्मॉल एक्स। ठीक है, और देखिए और जो डिस्टेंस है किसकी, पी की, किसके पी की, किससे, क्यू टू से, किससे, क्यू टू से, वो दो कितनी रहेगी, 15 × 10⁻⁴ में कितना है, इतना है नहीं है, तो 15, इसको देखो हम ऐसे लिखते हैं क्या बच्चों, 0.15 मीटर, चलेगा। तो देखिए क्या आएगा, 0.15 माइनस में कितना, एक्स। ठीक है, मतलब पी बी डिस्टेंस क्या बन जाएगी ये, और ए पी क्या बन जाएगी, एक्स। ठीक है ओके, अब देखिए, अब मान लो मुझे निकालना है, फाइंड आउट करना है वी वन को, कैसे पढ़ेंगे, इट इज़ अ पोटेंशियल ड्यू टू क्यू वन चार्ज एट पॉइंट पी, क्या बनेगा, के कॉन्स्टेंट है, क्यू में क्या इतना आएगा, क्यू वन आएगा, डिस्टेंस है नीचे तो ए पी, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ए पी, क्या बनाएंगे, के क्यू वन अपॉन में कितना, एक्स। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है यहाँ से, एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर देखिए मेरे पास क्या आएगा, V2,
वी टू किसके वजह से है, क्यू टू के वजह से, किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। तो के तो कांस्टेंट है, बेसिक फॉर्मूले को देखो, के तो कांस्टेंट है, क्यू में कितना आएगा, क्यू टू आ जाएगा। तो क्यू टू चार्ज से कितने डिस्टेंस पे होगा, इतने डिस्टेंस पे होगा पी बी, तो यहाँ पे कितना हो गए पी बी, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी पी बी इसके लिए। अब पी बी कितना है, ध्यान दीजिए, के क्यू टू अपन में कितना रहेगा, पॉइंट वन माइनस वन फाइव माइनस कितना एक्स, इक्वेशन में मेरे पास क्या बनेगी, टू बनेगी। अब देखिए क्वेश्चन में उसने क्या कहा था कि नेट पोटेंशियल कितना है, जीरो है, कितना है जीरो। तो वी वन प्लस वी टू को अगर हम ऐड करें, क्या करें ऐड, तो कितना आंसर आना चाहिए, जीरो आंसर आना चाहिए। देखिए के क्यू वन अपोन में एक्स प्लस के क्यू टू अपोन में 0.15 माइनस का एक्स इक्वल टू कितना जीरो। के कॉमन आएगा, उसे हम कहाँ भेज देंगे, कॉमन निकाल के बाहर भेज देंगे, तो कितना आएगा क्यू वन बाई एक्स प्लस क्यू टू अपॉन में दिस। ओके, फिर ये टर्म पॉजिटिव है, ये टर्म कहाँ जाएगी नेगेटिव में, क्या बनेगा क्यू वन एक्स माइनस का क्यू टू अपॉन में 0.15 माइनस का एक्स आएगा। ठीक है, अब देखिए तो क्यू वन कितना है, ध्यान दीजिए 3 × 10⁻⁸, तो क्यू वन में मैं कितनी वैल्यू पुटअप करूँगा, 3 × 10⁻⁸। क्यू टू देखो कितना है, क्यू टू में मैं कितना रखूँगा, माइनस का 2 × 10⁻⁸ रखेंगे रखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये पावर इससे क्या जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, ध्यान रहेगा। फिर देखिए क्या बनेगा, 3 / x इक्वल टू माइनस का 2.15 माइनस का एक्स, ध्यान रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, जो चीज़ें हमें नहीं रिक्वायरमेंट है वो मैं मिटा रहा हूँ, इसको मैं अभी हाथ में रब कर देता हूँ एक बार, जगह थोड़ी कम पड़ रही है, अपने पास वो थोड़ा छोटा है, ध्यान दीजिए। इसको हम अब करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, 3 × किससे होगा 0.15 से, तो क्या बनेगा 0.45। 3 × किससे होगा एक्स से, तो माइनस का 3x। एक्स किससे इंटू होगा, माइनस 2 से, तो कितना बनेगा माइनस का 2x। तो देखिए 3x नेगेटिव है, वहाँ जाने के बाद क्या हो जाएगा, 3x पॉजिटिव का माइनस का 2x, तो आंसर कितना आएगा ओनली x, और ये नेगेटिव है सॉरी पॉजिटिव है, तो 0.45 मीटर। ये लो बच्चों, मतलब इसका देखो मतलब ये होता है कि अगर दो चार्जेस q1 q2 यहाँ पे रखे होते हैं जिनकी वैल्यूज़ हमें गिवन है, तो उसके वजह से जो पॉइंट A पे जो चार्ज है q1, उससे 0.45 मीटर डिस्टेंस पे जो नेट पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, जीरो होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके, तो आपको करना क्या है, केस फर्स्ट के नीचे इसको रिटर्न करना, लिखना पूरा यहाँ, उसके बाद यहाँ पे आओगे बच्चों। अब देखिए सेकंड केस, इसमें लाइन जॉइनिंग के, हमारे जो लाइन जॉइनिंग होती है ये भी उसके आउटसाइड क्या है, पॉइंट पी डैश हमने लिया है, जहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नेट पोटेंशियल कितना है, जीरो है। ठीक है, अब देखिए अगेन बेसिक फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल का, के क्यू बाय डिस्टेंस आर। ओके, तो देखिए अगेन क्यू वन के वजह से पॉइंट पी डैश पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, वी वन होगा, क्यू टू की वजह से कितना होगा, वी टू होगा। तो बस हमें कुछ भी नहीं करना, हमें वी वन और वी टू क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ताकि हम क्या उसके नेट पोटेंशियल हम फाइंड आउट कर सकें, जिसको हम क्या कर देंगे इक्वेट में जीरो कर देंगे। तो देखिए वी वन कैसे बनेगा, के कॉन्स्टेंट है, वी वन किसके वजह से है, चार्ज क्यू वन की वजह से है, तो कितना आएगा क्यू वन आएगा, अपन डिस्टेंस है, तो क्यू वन से डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, पॉइंट पी डैश तक की, तो कितना आएगा ए पी डैश, क्या बन जाएगा के क्यू वन अपन में कितना एक्स। मान लेते हैं बच्चों की जो ए पी है ये ऑल ओवर कितना है, स्मॉल एक्स है, ठीक है मान ले, ओके। और जो बी पी डैश है वो कितना है, लेट्स सपोज 0.15 प्लस का एक्स, सॉरी ध्यान दीजिए, ये जो ए पी है डैश है वो तो कितना हो जाएगा 0.15 प्लस का एक्स, और ये उन्हें कितना हो जाएगा एक्स, क्यों होगा ध्यान दीजिए 15 सेंटीमीटर अपार्ट किसके बीच में है, ए बी के बीच में है, तो ये 0.15 है, ये एक्स होगा, तो ऑल ओवर कितना हो जाएगा 0.15 प्लस एक्स, तो जो ए पी डैश है वो बाद में क्या बन जाएगा एक्स प्लस 0.15। ठीक है, फिर देखिए ये तो क्या मेरे पास क्या वी वन, जो मेरे पास वी टू होगा वो क्या होगा के क्यू टू अपन में डिस्टेंस कहाँ से लेंगे क्यू टू से लेंगे, तो कितना आएगा बी पी डैश, कितना आएगा के क्यू टू अपन में कितना एक्स। तो बस जैसे भी आपको मैंने केस टू में पढ़ाया था, केस फर्स्ट में पढ़ाया था कि दोनों को हमें ऐड करना होता है और नेट कितना कर देंगे जीरो कर देंगे, तो इसको भी आप आराम से कर सकते हो, इसमें भी वैल्यू किसकी आएगी एक्स की वैल्यू आएगी।
ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स, हमें दे रखे हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है ध्यान दीजिए, 0, 0, 0 मतलब ये तो क्या हो गया ओरिजिन हो गया, ठीक है यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है, वाई पॉजिटिव है तो मतलब पॉजिटिव का वाई एक्सेस, यहाँ पे एक्स की अगेन 0 है, वाई नेगेटिव है मतलब माइनस का वाई एक्सेस, तो ये कोऑर्डिनेट इंडिकेट कर रहे हैं आपको कि एक तो पहले बनाइए ओरिजिन ओ, फिर बनाइए पॉजिटिव एक्सिस वाई, फिर बनाइए नेगेटिव एक्सिस माइनस का वाई। पहली बात तो ये ओरिजिन पे जो लेंगे आप कोऑर्डिनेट वो कितना लेंगे 0, 0 होता भी यही है, और 0, 1 का मतलब पॉजिटिव वाई है तो यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे 0, a, और उतना ही नेगेटिव में जाना चाहिए, जितना आपने a लिया है उतना ही कहाँ लोगे नीचे लोगे, तो 0, माइनस का a होगा, ये पॉइंट a, ये मेरे पास पॉइंट b, ठीक है। फिर देखिए वो जो रेस्पेक्टिव भी बोला है तो माइनस q कहाँ आएगा 0, a पे, तो माइनस q का मतलब यहाँ पे रखा हुआ है माइनस का q। फिर देखिए 0, 0 पे कौन रखा होगा पॉजिटिव का q, तो ये प्लस का q, फिर ये पॉजिटिव का क्यू का रखा होगा 0, a पे, तो यहाँ पे क्या रखा हुआ है पॉजिटिव का क्यू रखा हुआ है, ओके यहाँ तक की लैंग्वेज के मुताबिक ऐसा डायग्राम बनेगा। फिर क्या बोला इन एक्स वाई प्लेन, ये तो वाई एक्सिस हो गई, एक्स नहीं है तो एक्सिस एक्स बना दीजिए, ये बन गया एक्सिस एक्स, कोई दिक्कत, ठीक है। ये पूरा क्या होता है एक्स वाई प्लेन होता है, ये आप पढ़ चुके। देखिए प्रूव डेट पोटेंशियल वी, हमें प्रूफ करना है कि पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर, कोई डिस्टेंस हमें दे रखी है आर, ऑन द लाइन मेकिंग एंगल थीटा, भूल मत जाना दोस्त ने क्या बोला ऑन द लाइन मेकिंग एंगल थीटा, वो लाइन जो एंगल थीटा बना रही है कहाँ से विथ द एक्सिस, एक्सिस कौन सी है पता आपको ये वाली है, क्योंकि ये सभी चार्जेस कहाँ पे यहाँ पर है, ठीक है ठीक है। तो देखिए इस एक्सिस से एंगल थीटा आप कहाँ लोगे, या तो इस तरफ लोगे या फिर इस तरफ, वो डिपेंड आप पे करता है, ठीक है। तो देखिए इस एक्सिस के ऊपर, इस एक्सिस से मैंने एंगल थीटा माना किस एंगल में, इस एंगल पे, तो मैंने लेट सपोज एज्यूम किया मेरे पास यहाँ पे पॉइंट पी है, इसको मैंने मिलाया ओ से, तो मेरे पास क्या बना डिस्टेंस आर, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ मेरे पास क्या बनेगा एंगल थीटा, ठीक है। यहाँ बताना है कि जो पोटेंशियल है वो क्वेश्चन के मुताबिक कितना है, इतना है के क्यू आर प्लस के क्यू बाई आर प्लस 2 KQ अपोन में आर स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा, ये हमें प्रूफ करना है। देखो बच्चों ध्यान दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बात तो ये, ठीक है। इसको एकदम बेसिक फॉर्म में करो, आपकी इमेजिनेशन कितनी अच्छी है वो चेक करना चाह रहा है एग्जामिनर, ध्यान दो कैसे, थोड़ा सा लगाओ कॉमन सेंस, हल्का सा कॉमन सेंस लगाओ, ओरिजिन है, स्मॉल ए डिस्टेंस है, ये भी स्मॉल ए डिस्टेंस है, बस नेगेटिव में इतना फ़र्क है, तो आपको नहीं लग रहा जैसे नेगेटिव क्यू चार्ज है ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, तो ये क्या बन गया एक डायपोल बन गया। अब एक बार मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज नहीं है, नहीं होता, तो ये क्या होता डायपोल होता, ठीक है। तो उस नेट डायपोल के इफेक्ट से पॉइंट पी पे जो पोटेंशियल है ये हम निकाल चुके हैं बच्चों, ध्यान दो आपका एक टॉपिक था डेरिवेशन था एक, द पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल इन विच वी हैव रिजल्ट डेट के पी कॉस थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर, याद आया कुछ, जिसमें स्मॉल पी क्या होता है 2 a q, तो बस बात खत्म, के 2 a q कॉस थीटा अपॉन में कितना आर का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। तो ध्यान दो आपका आंसर कैसे लिखोगे आप लोग, इन दिस गिवन डायग्राम डायपोल ए बी प्रोड्यूसेस पोटेंशियल एट पॉइंट पी विच इज दिस, पहली बात तो ये। अब ओरिजिन पे हमने इसने हमें दे रखा है चार्ज प्लस का क्यू, एक एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया किस पे सेंटर पे ओरिजिन पे, तो कहाँ दिक्कत आ रही है ध्यान दीजिए, डायपोल के वजह से जो पॉइंट पी है वहाँ पे जो पोटेंशियल उसको आप कितना मान लीजिए V1 मान लें, ठीक है। अब बचा क्या पॉइंट चार्ज, जो एक्स्ट्रा चार्ज रखा हुआ है इस पॉजिटिव चार्ज से आर डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होगा, ये आपको पता है ये बेसिक फॉर्मूला होता है KQ/R, इसको आप मान लीजिए क्या V2, इसे कैसे लिखेंगे इट इज़ द पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट डिस्टेंस आर, इसे कैसे लिखेंगे इट इज़ द पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल ए बी एट डिस्टेंस आर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप जरा गौर से देखिए, नेट पोटेंशियल इनको ऐड कीजिए यही आएगा, ठीक है। तो ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आपको क्वेश्चन को पढ़ने के बाद डायग्राम बनाना चाहिए
और डायग्राम को थोड़ा इमेजिनेशन करो कि ये हमारा डायपोल ही है। देखिए नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज वैल्यू सेम, नेचर अलग अलग है, ठीक है वो चीज़ है। क्वेश्चन, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 100 सेंटीमीटर। हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, आप उसको ड्रॉ करोगे पहले आराम से माइंड से ए बी सी, ओके। तो यहाँ पे साइड क्या होगी, इक्वल होगी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, ओके। और ये कितना है, 100 सेंटीमीटर है। इससे किसमें चेंज करोगे, मीटर में कितना है 10^-2, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1 मीटर लिख दें, चलेगा, सिंपल सी बात है। आगे देखिए, तो द चार्जेस एट इट्स थ्री कॉर्नर्स, जो कॉर्नर्स है वहाँ पे थ्री चार्जेस रखे हुए हैं। जैसे लेट सपोज यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे Q1 चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे Q2 चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे Q3 चार्ज रखा हुआ है। R 1 माइक्रोकुलाम, वैल्यूज भी गिवन है, ये लीजिए 1 माइक्रोकुलाम, 2 माइक्रोकुलाम और 3 माइक्रोकुलाम रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, हमें निकालना है किसी पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द सेंटर, सेंटर में इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द थ्री कॉर्नर्स, जो कॉर्नर से क्या हो इक्विडिस्टेंस पे हो। जैसे ये कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर, ये भी कॉर्नर, तो इन तीनों ही कॉर्नर से क्या हो इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए वो पॉइंट। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमने एक पॉइंट एज्यूम किया, ये मान लीजिए मेरे पास पॉइंट ओ है, तो ये बात कर रहा है ओ ए इक्वल होनी चाहिए किसके, ओ बी के, और ओ बी इक्वल होनी चाहिए किसके, ओ सी के, ऐसा फंडा है इसमें, ठीक है। ये मेरे पास क्या पॉइंट ए हो गया, ठीक है, ओके। फिर बस इतना ही है इसमें अभी हाल फिलहाल। अब देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, थोड़ा ध्यान देना, पॉइंट ओ पर हमें निकालना है पोटेंशियल। यहाँ पोटेंशियल किसके वजह से होगा, Q1 के वजह से, Q2 के वजह से और Q3 के वजह से होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो इफ नेट पोटेंशियल इज V, देन वी कैन राइट V1 प्लस V2 प्लस V3, ओके डन, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला भी आपको मैंने समझाया था लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी, कितना होता है KQ/R, तो ये बेसिक फॉर्मूला कितनी बार लगेगा, 3 बार अप्लाई होगा। जो V1 है वो देखो कैसे लिखोगे, डिस्टेंस कितनी होगी OA, Q1 कितना गिवन है 1 माइक्रो, तो कितना होगा कि V1 के 1 × माइक्रो अपॉन में डिस्टेंस OA। V2 किसके वजह से होगा, Q2 के वजह से, Q2 कितना गिवन है 2 माइक्रोकुलम, तो के इंटू में कितना 2 माइक्रो अपॉन में कितना OB प्लस के यहाँ कितना डिस्टेंस आएगा OC आएगा, तो K इंटू में कितना 3 माइक्रो अपॉन में कितना OC, ठीक है। पहली बात तो ये इक्वेशन नंबर, ये मेरे पास क्या बन जाएगी फर्स्ट। अब देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, OA, OB और OC हमें गिवन नहीं है, गिवन नहीं है। अब ये बात ध्यान सुनना, इसमें बच्चों दो तरीके होते हैं, या तो एक फॉर्मूला होता है वो आप रट लो, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला होता है वो है क्या, ध्यान दीजिए, आपने ज्योमेट्री में ही पढ़ा था 9th-10th क्लास के अंदर, अगर A से C, C से B हमने एक सर्किल को बनाया, क्या बनाया, सर्किल को बनाया, मतलब ऐसा हमने सर्किल ड्रॉ किया है जिसके सर्कमफेरेंस पे तीनों कॉर्नर्स प्रेजेंट हैं, तो ऐसा होने से OA, OC और OB क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रेडियस मतलब कैपिटल R, रेडियस ऑफ द सर्किल। तो इसका एक फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स के अंदर थ्योरम में, उसका फॉर्मूला डायरेक्ट क्या लिख दोगे, A/√3, ए का मतलब लेंथ ऑफ द ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलेटरल है, हर साइड क्या होगी इक्वल होगी, या तो आप इसको ऐसा पढ़ लो, ठीक है। और यही जो R है वही क्या हो जाएगा OA, वही क्या है OB, वही क्या है OC, मतलब इन तीनों डिस्टेंस को आप उठाई कर दोगे, यहाँ रख दोगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब बोलोगे, अब आप कुछ बच्चे होते हैं, नहीं सर हमें तो सिखाओ, हमें रटना नहीं आता, हमें तो बताओ कैसे ये कैसे आता है, A/√3 कैसे आता है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालते हैं इसको, ध्यान देना, सिंपल सी बात है, बहुत इजी वे में समझना पड़ेगा आपको, ध्यान दीजिए, ये पूरा एंगल कितना होता है 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये पूरा कितना होगा 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये जो हाफ होता है तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा, हाफ कितना होगा 30 डिग्री होगा, ये भी कितना 30 और ये भी कितना होगा 30, ठीक है। पहली बात तो ये, अब ध्यान सुनना मेरी बात, आपने पढ़ा है ज्योमेट्री के अंदर किसी भी ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल के, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर से हमने क्या खींचा, परपेंडिकुलर खींचा, ड्रॉ किया अपन ने, तो जो परपेंडिकुलर पॉइंट होता है वो सामने वाली साइड को दो पार्ट्स में क्या करता है, इक्वल करता है, जो इक्वल होते हैं, मतलब ये पूरी लेंथ कितनी है, ए है, स्मॉल ए है, स्मॉल ए, तो ये भी कितनी होगी, हाफ हो जाएगी, और ये भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, A/2 और A/2, ध्यान रहेगा,
ठीक है। फिर देखिए ये जो ओ है इसको मैंने क्या माना है एक बार, कैपिटल आर। तो देखिए हमारे पास एक क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। वो ट्रायंगल कौन सा होगा, ट्रायंगल ओ डी बी। ओ डी बी ले सकते हो आप चाहो तो, या फिर क्या ले लो ओ डी सी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप ढूंढिए कॉस थीटा को, क्यों ढूंढिए, हमें पता करना है क्या है, हाइपोटेन्यूस और बेस हमें गिवन है। तो देखिए इस ट्रायंगल में जो कॉस थीटा होगा वो कितना होगा, बेस ओ डी, सॉरी बेस बी डी, और एच कितना हो जाएगा, बी ओ, कितना बनेगा बी ओ। तो जो बी डी है वो कितना है, हाफ ऑफ लेंथ हाफ ऑफ साइड, तो कितना आएगा ए बाय टू अपॉन में ओ बी है, ओ बी ये क्या है एच है, तो कितना आएगा आर कॉस थीटा। कॉस कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, कॉस 30 डिग्री, ठीक है। कॉस 30 आपने पढ़ा है कितना होता है, रूट 3/2 इक्वल किसके आएगा, ए बाय टू आर के, तो ए बाय टू आर। तो देखिए टू सी टू क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ, रेडियस यहाँ पे आएगी तो रूट 3 कहाँ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो वो डिपेंड बच्चों आप पे करता है कि आपको थ्योरम के फॉर्मूला अगर याद है, ज्योमेट्री का कंसेप्ट, तो आप लिख सकते हो डायग्राम के नीचे डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है, कि द वैल्यू ऑफ रेडियस, द एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस विल बी ए बाई रूट 3 बाई ज्योमेट्री, बाई ज्योमेट्री। फिर आप डायरेक्ट इसको काम में लीजिए, कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे आंसर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको मालूम नहीं आता ये फॉर्मूला तो आपको करना क्या पड़ेगा, ट्रायंगल चूज करोगे, ट्रायंगल में पहले बताओगे कि कॉस 30 को हमने ऐसे निकाला था, ये हुआ था, हमारे पास क्या आया था इससे, रेडियस, रेडियस आ गई थी, फिर उसको हम वहाँ पे पुटअप करेंगे। तो डिपेंड आप पे करता है पूरा, ओके।